सर जमीन पर अपने दम को छोड़ रहा था, मैंने अंतर ध्यान में थे, लेकिन मैंने तुम्हारा आवाज सुना, मैंने ध्यान छोड़ते हुए अपना ध्यान तोड़ते हुए तुम्हारा पास आया हूँ। मैं जानता हूँ गुरु महाराज, मैं एक बात आपसे पूछने के लिए चाहता हूँ। पूछ सकते हो, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मैंने आपके सेवा में किसी तरह की कमी छोड़ा नहीं, कोई कमी नहीं। आपका भक्ति में किसी तरह की कमी छोड़ा यही सेवा, तो मुझे फिर इस किस जन्म का जन्म का बदला आप मुझसे ले रहे हैं। भक्त तुम्हें पता है क्यों तुम्हें मरते हो और किस लिए तुम्हें मर रहा है, जिसके इंतजार में तुम अपने दम को खो रहा है। गुरु महाराज, 5 वर्ष का बेटा मेरा अमर जी दूध का छाना है, मेरा घर मर करके बर्बाद हो गया। लक्ष्मी जैसी छोटी बाबू रानी घर छोड़ करके बाहर निकल गई। मेरा भाई बाबू रुदन सिंह लोहा का शरीर था, मिनट में गल करके राख हो गया। बोलिए मैंने कौन सा ऐसा गलती किया। मैं हर बात तुम्हें बताऊंगा और हर बात तुम्हें बता करके तुम्हें दिल में तसल्ली हमने करवाऊंगा। और जिस बेटा के लिए तुम्हें अभी मर रहा है, वह बेटा तुम्हारा नहीं था। वह जिसको बेटा था, उन्होंने वह नहास को उठा करके अपने जंगल में रखा हुआ है और जंगल ले गया है। मैं जानता हूं कि तुम्हें इंद्रजीत को इंतजार में हो, लेकिन अमरजीत वो अपने मां पिता के साथ में है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो कि तुम्हारा घर में नागिन का बसेरा है, जिस दिन से तुमने शादी किया हुआ नागिन से, उस रोज से तुम्हारा घर पर वह लगी हुई रहती है। और जिस दिन में तुम्हारा बेटा कनबर गया था पढ़ने के लिए और पढ़ करके लौट रहा था, आया वह नागिन से भोजन मांगा कि माँ मुझे चलते चलते बहुत थक गया, भूख लग गया, तू मुझे भोजन करवाओ। वह नागिन ने क्या क्या भोजन तैयारी किया। वह भोजन में 1 किलो जादू को जहां डाल करके वह खिला दिया। अमरजीत ने वह प्राण छोड़ दिया। मैंने उसी बात को उसी टाइम वह नागिन को श्रापित किया था, ईरानी सोना ये भला तुम्हें अच्छा नहीं किया, इसलिए कि अमरजीत वह मेरा भक्त था, मेरा शिष्य था। और तुम्हें सोच रही है कि अमरजीत मेरे नजर में मर गया है, लेकिन वह मेरा शिष्य है। मेरे नजर वो अभी बरामद जिंदा है। और जो भी काम किया है तुम्हारा बेटा को कातिल तुम्हारी पत्नी नागिन रानी सोना है। गुरु महाराज, क्या आप मेरे रानी के बारे में इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं, रानी ने तो ऐसा नहीं बताया। रानी तो ये बोली कि बेटा को पेट में दर्द होने के कारण अचानक मरा है। हर वक्त तुम्हें चकमा दिखा रही थी कि इसे पेट में दर्द हुआ इसलिए मर गया है, लेकिन नहीं, मतलब ये सब बीमारी का जड़ मेरी रानी, सारा ही बीमारी का जड़ वही नागिन है। अगर गुरु महाराज ये बात आपका सत्य निकला कि मेरे बच्चे को मारने का हाथ मेरी रानी को है, तो मैं आपके साथ वादा करता हूँ, भले मेरे रानी रहे या ना रहे, मैं हरम जाती को सर काट करके दरबार में नहीं टांगता। तो मेरा नाम रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम्हें रानी को पास उसे सजाई करने के लिए? अगर उसे तुम अभी जान से भी मार दोगे, वह कुछ नहीं बता सकती है। उसे कत्ल भी कर दोगे, कुछ नहीं बताएगी। सबसे पहले तुम्हें कोई ओझा के पास ले जाओ, कोई मंत्रिया को पास ले जाओ, किसी भगता के पास ले जाओ। सबसे पहले जाकर के उसे और दिमाग खो बैठी है, उसे दिमाग को सही करवाओ। दिमाग को सही करवाने की बात एक एक पॉइंट हुआ नागिन तुम्हें बताएगी। अरे गुरु महाराज, कहने का मतलब वो हरमजादी पागल हो गई। बिल्कुल, अगर उसको कितने ऊपर मार मारेंगे तो वो अपने सही हालात में नहीं बता सकते, कुछ नहीं बता सकते। पहले उसको ठीक करवा लेते, उसके बाद सारा जर से पूछेंगे तुमने दरबार में क्या सब किया। एक एक करके हरमजादी हिसाब लेंगे, हिसाब देने में जरा सा भी गलती हो तो मारते बिजली कोड़ा से, सर्दी गर्मी होता। ठीक है, Oh,
भागने की कोशिश करी, जाकर के झपट कर उसको पकड़े और हथकड़ी लगा करके बांध के लाए। और सही में किसी ने कहा कि बैठ न जाए देव ऋषि माने, आग लगी संसार में झरझर गिरे तंगार, संत नहीं होता इस दुनिया में तो जल जाता संसार, संत पर टिका हुआ। आप तू एक एक करके जवाब मुझे देगी और जो पूछेगा वही जवाब देगी, अगर जवाब से इधर उधर हुआ बुखार उतार देंगे आज। पहली बात तो तुम्हें एक बात बताए कि तुम्हारा ये हालत क्यों है और मेरा बच्चा कहाँ है, बच्चा के बारे में पहले बोल, मुझे दुनियादारी में मुझे कुछ नहीं। तुम बता पहले तुम पागल क्यों है। अरे उल्टा जवाब कर रही, मुझसे जवाब करेगा। अच्छा ये बोल कि तुम्हारे मेरी छोटी रानी यानी छोटी बहू रानी कहाँ है, उसके बारे में तुम्हें एक एक करके जवाब। तू बता कहाँ रहता है। तू हत्या कर रही हरम दादी, बुखारे उतार देंगे तू हत्या। अरे मारो जी। किसको हेरे बोलेंगे, किसको बोले लोड़ी से दांत तोड़ दो। ये पगले यार, हरम दादी तो जहन करम कर भी वहां तो फल मिलवे न करता। हेर दादी दिल दीवाना में हराम दादी, फिल्म स्टार ने शूटिंग करने के लिए पहले तुम चलो तुम्हारा दिमाग सही करेगा उसके बाद कुछ कहता दे वीरे। भक्ता के पास ले जाएंगे तुम्हारा ये खोपड़ी सही करवाएंगे। भक्ता बेटा कहता है। हराम दादी भक्ता का बेटा बोलती, मारेंगे नहीं बुखारे उतार देंगे। ए सैया के साथ मरई